मेरे जीवन का पूरे राष्ट्र के लिए हर व्यक्ति के लिए एक परीक्षा की घड़ी आ गई है और इस परीक्षा की घड़ी में हम समस्त भारतवर्ष में रहने वाले प्राणियों को एक दूसरे से प्यार का संबंध निर्वाह करता हुआ थोड़ी सी शारीरिक दूरियां बना करके वार्तालाप करें। और समस्याएं तो जीवन में आती ही रहती है, लेकिन समस्याओं से जो जूझना, समस्याओं से युद्ध करना, समस्याओं का समाधान करना हम मानव जीवन का कर्तव्य भी होता है। हम समस्त भारतवर्ष में रहने वाले हमारे शिष्यों या अन्य कोई भी, मैं उनसे जरूर ये कहूँगा, इस विकट परिस्थिति में एक ही सहारा है, वैद्यो नारायणो हरि जाह्नवी त्वयम्। गंगा का जल और वैद्य जो भगवान नारायण ही है, इन औषधियों के द्वारा, इनके नामोच्चारण से कुछ कष्टें दूर हो सकती हैं। मैं आपको एक चीज और बताऊं, हमारे शास्त्रों में एक मंत्र भी है, ओम ओम आम ओम आम ह्रीं श्रोम क्रोम ओम उग्राय नमो ममध्याय वर्तमान व्याधि रूप सर्वाष्ट्र नाशनाय ओम आम ह्रीं श्रोम क्रोम हुम पट स्वाहा। इस मंत्र के जप करने से व्याधियां के जो वातावरण वायरस, ये थोड़ी इसमें परिवर्तन होगा। लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ देना चाहिए, इंसान वो है जो अपने लिए नहीं दूसरे के लिए जो जिए वही इंसान कहलाता है। हमारा राष्ट्र रहेगा, राष्ट्र के व्यक्ति रहेंगे, और व्यक्ति के बिना राष्ट्र भी नहीं हो सकता है। इसलिए अपने राष्ट्र के शुभ चिंतकों से हम एक ही प्रार्थना करेंगे इस मंत्र के अंदर में, ओम आम ह्राम क्रोम छ्रोम हुम फट मम। मम के मतलब बीच में जोड़ दीजिए, मम भारतवर्ष राष्ट्रे सर्वा अरिष्ट नाशनाय ओम आम ह्रीम क्रोम हुम फट स्वाहा। ये जोड़ दे सर्वा अरिष्ट के आगे, मम भारत राष्ट्र, ये मेरे भारतवर्ष राष्ट्र है, और राष्ट्र के अंदर में जितने भी रहने वाले आदमी हैं, हम सबके लिए शुभ की चिंताएं करें और सबके लिए शुभ चिंतक बने। ऐसे तो हमारे इस राष्ट्र के लिए सरकार तो प्रयत्नशील है ही, और हमारे मोदी जी भी ने अच्छा काम किया कि 21 दिन का जो है इन्होंने जो कर्फ्यू एक तरह से लगाया, इसको सर्वमान्य और हर आदमी को मानना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब उनके लिए मैं क्या कहूँ, भगवान ने उनको कौन सा रूप दिया है कि मान जानते हैं कि मेरा कुछ बिगड़ने वाला है, इसके बाद भी सड़क पर आने वाले हैं। तो जो इस प्रवृत्ति के आदमी हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप लोग अपने घर के अंदर में रहें, और जितना जल्दी हो सके भगवान अगर चाहेंगे तो 15 अप्रैल तो नहीं, अप्रैल के अंत तक में इसका समाधान जरूर हो जाएगा। और हमारे वैज्ञानिक, हमारे जो औषधि के ज्ञाता चिकित्सक लोग और कार्य करने वाले वेंटिलेटर, ये लोग भी सब लगे हैं, मैं इनकी भी शुभ चिंता करता हूँ कि ये भी आगे बढ़ें और कार्य करते रहें। भगवान आपके हाथ को पकड़ करके, हम सबों का हाथ पकड़ करके सहारा देंगे। मैं अपने जो शिष्य मंडली हैं उनसे निवेदन करूँगा, ऐसे विकट परिस्थिति में अगर आपके पड़ोसी भूखे मर रहे हों तो उनको 2 रोटी का इंतजाम जरूर करें, सौहार्दतापूर्वक, गले से गले तो नहीं है इस समय लगा सकते हैं, लेकिन ये वायरस खत्म होने के बाद सब गले से गले मिलेंगे, और ये प्रेम की दुनिया, हमारा ये देश प्रेम कभी मिट नहीं सकता है। यहीं पर मैं भी शुभम मस्तु शुभम मस्तु शुभम मस्तु, सब शुभ ही होगा, शुभ ही होगा, शुभ ही होगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और जही विधि राखे राम तेही विधि रहियो, राम 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 जपते रहियो।